हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल लैंग्वेज में। देखिए, अभी इंडिया का ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छे फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। जो अभी जीडीपी का डाटा आया था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर सेक्टर में ये कोशिश कर रही है कि हम अपने यहाँ एक इकोसिस्टम डेवलप कर लें, और स्पेशली ऐसा सेक्टर जो एक स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे डिफेंस हो गया, या ग्रीन एनर्जी हो गया, या सेमीकंडक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हम हर चीज़ों के ऊपर ना हम सेल्फ रिलायंट बने, मतलब हम अपने प्रोडक्शन तो करें ही करें, साथ में हम उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करें और एक ग्लोबल हब बने मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के स्पेस में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो अभी भी लिस्टेड हैं, और उनका ग्रोथ अभी तक बहुत आप खास अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इनको अभी के सेल्स और रेवेन्यू के बेसिस पे अगर आप जज करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप इन सेक्टर को मिस कर सकते हैं। तो कोई भी एक इमर्जिंग सेक्टर का जो डेवलपमेंट है ना, वो ओवर द पीरियड होता है, तकरीबन 6 7 8 साल लगते हैं। क्योंकि कोई भी अगर एक नया सेक्टर है तो उसके अंदर कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आएगा तो सबसे पहले तो कैपेक्स होगा, फिर एक मतलब एक बेस तैयार होगा, फिर उसके अंदर आपके पास ऑर्डर आएगा और फिर आप सप्लाई करोगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं अभी भी जो कि ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के स्पेस में किसी न किसी वैल्यू चेन के अंदर वो ऑपरेट कर रही हैं, और उनका जो सेल्स का ग्रोथ है पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इम्प्रूवाइज हुआ है। और देखिए, अभी जो कैपेक्स हो रहा है ना, तकरीबन अगर आप इंडियन मतलब ऐसी कंपनियां जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं तो काफी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं सेमीकंडक्टर के स्पेस में। तो अगर कैपेक्स इतना बड़ा है, जैसे सीजी पावर का 7,500 करोड़ का है, टाटा ग्रुप तकरीबन 91,000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, तो जब इतनी बड़े बड़े अमाउंट पे अगर कैपेक्स हो रहा है, मतलब कि इनका रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता अगर कैपेक्स इतना बड़ा है। तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं इस सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर की जो कंपनियां ऑलरेडी अभी तो छोटी हैं लेकिन पोटेंशियल रखती हैं काफी बड़ा होने का। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं और उनको किस हिसाब से इस पूरे सेक्टर का बेनिफिट या उनका एडवांटेज मिल सकता है। देखिए, तो ये जो सेमीकंडक्टर है ना, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मतलब आपको हर एक प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो, इवन आप अपने डेली बेसिस के ऊपर अगर आप इसको एनालाइज करो, आप अपने डेली जो इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन करते हो, या कोई मीन्स होता, कोई मीडियम होता होगा जिसके थ्रू आप किसी किसी काम को कंप्लीट करते हो, तो उस सारी चीजों के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज है। जैसे कि इस अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो इसमें वो सारी चीजें, जैसे आप सुबह में अलार्म से स्टार्ट करते हो, अगर सपोज कीजिए कि कोई 6 8 10 बजे का अलार्म लगाता है, तो वहां भी सेमीकंडक्टर का यूज है, मतलब कि वो कोई ना कोई डिवाइस है, और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर चाहिए ही चाहिए। चाहे आपका हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आपका ईवी सेक्टर हो, मतलब कोई भी चीज जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ऑपरेट होती है, या इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के थ्रू ऑपरेट होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अब इस स्पेस के अंदर बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अभी के टाइम में लिस्टेड हैं। तो जैसे कि तेजस नेटवर्क, अभी इसका एक इसने अभी एक्विजिशन किया था, सांख्या कोई एक कंपनी थी उसका। तो अभी तकरीबन इस तेजस नेटवर्क का जो मार्केट कैप है वो 17,548 करोड़ है, और जो सेल्स है वो 2,471 करोड़ का है। पी तो अभी भी 279 का है, प्राइस टू बुक 5.57 का है, प्रमोटर होल्डिंग 55.6% का है। लेकिन इन सारी कंपनियों के अंदर एक पोटेंशियल है यहाँ से भी मल्टीपल होने का, और वो मल्टीपल किस बेसिस पे हो सकती है, इन बेसिस पे हो सकती है कि भारत एक अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लेगा जिस हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पीएलआई के थ्रू, या फिर पॉलिसी के थ्रू, या कोई भी अगर क्लियरेंस देना है गवर्नमेंट को तो उसमें कोई भी डिले नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल फटाफट से हो रहा है।
तो इसके अंदर तेजस हो गया, केएनएस हो गया, सीजी पावर हो गया, ये एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनियां हैं। और सीजी पावर तो 7,500 से 7,750 करोड़ की कैपेक्स भी कर रही है, अभी हम इसके कैपेक्स के ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे। और जब छोटी कंपनियों की बात कर लें तो इसमें मॉसिप टेक्नोलॉजी हो गया, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आरआईआर पावर हो गया, एएसएम टेक्नोलॉजी हो गया, माइंडटेक हो गया, एसपीएल हो गया, और भी कुछ एक कंपनियां हैं, आप अपना रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। और ये एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज है, ऐसा कोई इसके लिए नहीं है कि आप जाके इसको खरीद लो या बेच दो। जस्ट आप इस पूरे सेक्टर को एनालाइज कर सकते हो इस डाटा के बेसिस पे। आगे कुछ और डाटा मैं प्रेजेंट करूंगा। अब बेसिकली अगर हम मौसिफ की बात करें, मौसिफ बहुत ही छोटी कंपनी है, तो अभी तकरीबन ये 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका जो टीटीएम सेल्स है अभी तक का 272 करोड़ का है, और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 283 है। देखिए पीई तो काफी ज्यादा है, लेकिन चूंकि कंपनियां इतनी छोटी हैं और इसके पहले सेमीकंडक्टर के स्पेस में कोई इनिशिएटिव हमारे इंडिया के अंदर नहीं था, तो सेल्स बहुत एक क्वांटम में नहीं आता था। लेकिन देखिए आपने आपने देखा होगा कि जो पूरा डिफेंस सेक्टर है पिछले 1-2 साल के अंदर कैसे रीरेट हुआ है, तो उसी तरीके की रीरेटिंग आपको इन कंपनियों को भी होती दिखेगी। क्योंकि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो अभी का जो सपोज कीजिए कि जो 272 करोड़ का सेल है, ये हो सकता है कि 2,000 करोड़ के सेल्स में कन्वर्ट हो जाए आगे आने वाले 2-3-4 सालों के अंदर। ये एक एग्जाम्पल है। तो जैसे ही सेल्स बढ़ेगा, तो अभी जो पी है ना वो फ्यूचर अर्निंग को देख के इतना हाईएस्ट पी मिल रहा है, तो अगर आप फॉरवर्ड पी देखेंगे तो ये 283 नहीं है, ये फॉरवर्ड पी कम है इनका। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो आप प्रेजेंट के बेसिस पे नहीं करते, प्रेजेंट के बेसिस पे आप ये देखते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ क्या है और फ्यूचर अर्निंग क्या हो सकती है, तो उसके बेसिस पे आप किसी चीज का कीमत आप लगाते हैं आज के डेट में। तो फ्यूचर में जो अर्निंग है काफी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए स्ट्रीट इन लोगों को अभी इतना हाई पी दे रहा है। तो मॉसिप टेक्नोलॉजी के केस में अगर आप देखें, तो इन्होंने ताइवान की कंपनी से 2022 में एक ज्वाइंट वेंचर भी हुआ था, जिसके अंदर ये लोग कुछ फैब्रिकेशंस वगैरह पे काम करने के लिए जेबी बनाए हुए थे। और कंपनी आई थिंक, मुझे लगता है कि जो आप बड़े ग्रुप को छोड़ते अगर छोटे स्पेस में आए, तो एक मतलब इसका इनका मार्केट कैप और सेल्स वगैरह काफी अच्छा दिखेगा, जो कि बेसिकली मेयरली सेमीकंडक्टर के स्पेस में ही ऑपरेट करती है। अब इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर के अंदर 35% है, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर 26% है। अगर आप उस हिसाब से देखें तो सेल्स ग्रोथ है वो कम तो हो रहा है, लेकिन पहले कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं था, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी मतलब एक्टिव है, स्पेशली सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को डेवलप करने को लेके। तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो हो सकता है कि फिर से मोर देन 35-40% पे रिज्यूम हो जाए, तभी तो मार्केट इनको इतना का 283 के पी का वैल्यूएशन दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए जबरदस्त है, 10 ईयर का 11% है, 5 ईयर का 20% है सीएजीआर, 3 ईयर्स का 30% है, और अगर आप टीटीएम की बात करें तो 86% है। अब इस पूरे सेमीकंडक्टर के सेक्टर के अंदर जो टेलविंड है वो क्या हो सकता है, तो इंडिया एक ना कंप्लीटली एक वैल्यू चेन डेवलप करना चाहता है, इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है। तो इस इकोसिस्टम के अंदर डिजाइन हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, और एटीएमपी हो गया। एटीएमपी के अंदर क्या होता है कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और उसका पैकेजिंग। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द जी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर वो एटीएमपी के अंदर आना चाहती हैं, जैसे कि सीजी पावर हो गया, वो एटीएमपी के अंदर है। अब जो सेमीकंडक्टर स्पेस है ना, वो उसका इंपॉर्टेंस हमारे इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से भी है। क्योंकि देखिए अभी तक जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनियां हैं ना, वो यूएसए, चाइना, ताइवान और इन सारी जगहों की है, और काफी हद तक जो डिपेंडेंसी है ना वो चाइना चाइनीज कंपनियों के अंदर है, और ताइवान के अंदर इतनी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं कि वो पूरे ग्लोबल डिमांड को मीट ऑफ कर सके। तो बहुत सारे जो फॉरेन कंपनियां हैं या फिर फॉरेन गवर्नमेंट हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलेबरेट होकर ये चाहते हैं कि जो इंडिया है वो एक इस सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपना एक एफर्ट डाले और अपने आप को एज ए प्रोमिनेंट
जियोग्राफी एज ए इमर्ज हो के आए, और उसके लिए काफी सारी कंपनियां और या काफी सारी जो कंट्रीज हैं वो हेल्प भी कर रही हैं। तो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो पूरा इंडियन सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो तकरीबन 34 बिलियन डॉलर का हो चुका है 2023 में, और ये 2032 तक आते आते तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का हो सकता है, ऐसा एक प्रोजेक्शन किया गया है, जो कि तकरीबन 20% के ऊपर का सीएजीआर इसके अंदर ग्रोथ मिल सकता है। अब इसमें देखिए जो कैपेक्स है वो काफी लार्ज कैपेक्स हो रहा है, जैसे टाटा ग्रुप ने 91,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है, सीजी 7,600 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है, एलएनटी 830 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है, इवन 3 प्रोजेक्ट तो स्टार्ट भी हो गए हैं लगने गुजरात में, कुछ आसाम में। जो केएनएस टेक्नोलॉजी है ये भी तकरीबन 150-200 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। तो इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर स्पेस है इसके अंदर काफी ज्यादा कैपेक्स हो रहा है, और कैपेक्स इतना ह्यूज है मतलब कि इनकी जो एक्सपेक्टेड या जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है वो कितना हो सकता है हम सोच सकते हैं इस चीज को, और यही एक सोर्स होता है, एक डाटा ही एक सोर्स होता है जिसके बेसिस पे हम किसी सेक्टर किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी काफी पीएलआई या फिर जो भी आपका डिजाइन लिंक इंसेंटिव है इनको देके कंपनीज को फैसिलिटेट कर रही हैं कि आप सेमीकंडक्टर के स्पेस में आप काम कीजिए, आप आगे बढ़िए, हम सपोर्ट करेंगे। जो फॉरेन का इंटरेस्ट है वो भी सेमीकंडक्टर मिशन में काफी हेल्पफुल कर रहा है, जैसे यूएस, जापान, इजराइल की जो चिप मेकर हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को मतलब के थ्रू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, मतलब कि अपना टेक्नोलॉजी दे सक मतलब जो कंपनी ऑपरेट करेगी या इंडिया में आके या फिर जो कंपनी इंडियन कंपनी साथ जेबी करके काम करेगी वो अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है, वो नो हाउ ट्रांसफर कर सकती है। तो वो सारे लोग चाहते हैं कि इंडिया एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम डेवलप कर सके। अब सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर जो पूरा इन्वेस्टमेंट तकरीबन अभी तक आया है वो तो हमने देखा कि जो इंडियन कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है, उन्होंने किया। जो बाहर की कंपनियां हैं जैसे माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इन्होंने भी 800 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, फॉक्सकॉन 1.2 यूएसडी बिलियन का यूएसडी बिलियन का अनाउंस किया है, एएमडी 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, और कुछ कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस इंडियन कंपनी है जो ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो ये एक एग्जाम्पल था। आप भी अपना जाके बहुत सारे सोर्स हैं, इवन आप जो मैंने लिंक दे रखा है इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और आप अपने लिए एक अच्छा सेक्टर ढूंढ सकते हैं जहां से आपको एक अच्छा पैसा बन के तकरीबन बन सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।